बात गाइस 2017 की है, ट्रेडिंग करियर जस्ट मेरा स्टार्ट हुआ। उस टाइम टेलीग्राम या ये ग्रुप्स वगैरह तो होते नहीं थे ना, इतनी कॉल्स आती थी कि हमारी सर्विस ले लो, ये सब ले लो। मेरा एक दोस्त था, मुझे लगता था बहुत तगड़ा ट्रेडर है, सबका भी कोई ना कोई दोस्त होगा। उन भाई साहब ने मुझे कहा जुबिलेंट फूड लेने, क्योंकि आज उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। शायद इन मार्केट में रिजल्ट था 2 या 3 बजे का रिजल्ट। गाइस मैंने एक लॉट लिया और मेरे लाइफ का पहला ट्रेड था, और वो फ्यूचर्स में उन्होंने कहा ट्रेड करने के लिए। फिर जैसे मैंने एक लॉट लिया तो वो नीचे आया, जुबिलेंट फूड 1% 1.5% के आसपास नीचे आया, तो मेरे को लॉस आ रहा था 7,200। उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या करूं? वो बोलते एक और लॉट ले ले क्योंकि ये भागेगा, डोमिनोज के बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जुबिलेंट फूड डोमिनोज पिज्जा का ही एक ब्रांड है। जैसे ही मैंने और लॉट दूसरा लिया वो और नीचे आया, करते करते वो उस दिन मेरे ख्याल से शायद 3 या 4% नीचे था, और मेरे को लॉस आ रहा था 21,000 रुपए। जब 3 बजे जब मैंने फोन किया, मैंने कहा अब क्या करूं मेरे भाई? वो कहते भाई तू निकला नहीं? मैं तो कब का निकल चुका हूं, इतना लॉस कौन देखेगा। मॉरल ऑफ दी स्टोरी, जितनी नॉइज कम रखोगे उतना अच्छा है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। मार्केट का कुछ नहीं पता होता गाइस, अपने रिस्क मैनेजमेंट से काम करो, और हेजिंग अगर आती है तो बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट पहले दिन से आपका सेफ्टी में रहता है। थैंक यू।